क्योंकि उनसे माँ के मतलब माँ नीचे जाती है तो लोगों के साथ बैठना उठना, इसलिए माँ भी जा रही है। तो इसलिए आज यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। और आज 16 जुलाई है और इस सीजन का शादी का ये लास्ट डेट है, क्योंकि कल 17 जुलाई को हरि शनि एकादशी है। तो हरि शनि एकादशी के बाद तो भगवान शयन में चले जाते हैं, तो 4 महीने फिर शादी ब्याह जैसा शुभ काम कुछ भी नहीं होता, जनेऊ वगैरह कुछ भी। और इस साल मतलब इस सीजन का ये लास्ट शादी है और हमारे मोहल्ले में शादी है और हम लोग आज शाम में हम लोग इन्वाइटेड हैं, तो आज शाम में पार्टी में जा भी रहे हैं। देखिए हमारे घर के कितने पास पंडाल बना हुआ इसी मैदान में, और शाम में जाएंगे भी हम लोग। तो ये देखिए सारा तैयारी हो रहा है, दूर से उन लोगों का छत भी दिख रहा है जहाँ मंडप बना हुआ है दिखाते हैं, और पास से तो भी रात में हम लोग जाएंगे उधर देख रहे हैं। मिठाई का भी उतरने लगा है डब्बा, सारा तैयारी हो रहा है। रिद्धि सिद्धि तो नीचे घूमने गई है पापा के साथ साइकिल चलाने, क्योंकि उन लोगों की मतलब जो दादी है वहाँ पे चाची है उनके उनसे माँ के मतलब माँ नीचे जाती है तो लोगों के साथ बैठना उठना, इसलिए माँ भी जा रही है। तो इसलिए आज मेरे पास टाइम भी ज़्यादा है, खाना नहीं बनाना है रात का भी, तो रिद्धि सिद्धि का हम ड्रेस निकाल के रख लिए हैं। ये देखिए रिद्धि का ड्रेस है और ये सिद्धू रानी का है, तो उन लोगों को तैयार करा देंगे। पहले तो बच्चों को ही तैयार कराएंगे, उसके बाद हम खुद तैयार होंगे, इन लोगों को तैयार करके नीचे भेज देंगे। दोनों का ड्रेस निकाल के रखे हैं, अपना भी साड़ी निकाल के रख लिए हैं। ये साड़ी भी रात में पहन के जाना है, तो सब कुछ पहले से हम अरेंज करके रखते हैं। देख रहे हैं इधर भी इन लोगों का मैचिंग के लिए पिंक वाला ड्रेस के लिए पिंक, ब्लू ड्रेस के लिए ब्लू, इन लोगों का सारा कुछ हम निकाल के रख लिए हैं। पिन विन जो भी ज़रूरत होता है सब कुछ समेट मतलब आगे करके निकाल निकाल के रखे हुए हैं कि फटाफट इन लोगों को तैयार कर सकें। अपना भी चूड़ी बूड़ी सब सेट करके पहले से रख लिए हैं, और किचन में लगभग सन्नाटा ही है आज, बस बच्चों का दूध दूध उबाले हैं। इन लोगों को भी देख लेते हैं कैसा खाती उती है, नहीं तो फिर सारा बर्तन वर्तन हम धो के रख लिए शाम का। जबकि थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, क्योंकि है भी तो अब जुलाई आ चुका है तो बारिश तो होगा ही, तो बारिश भी हो रहा है, लेकिन अभी तो बंद है और भगवान करे कि कम से कम रात में रात पर बंद ही रहे आज तो ठीक रहेगा। बहुत परेशानी हो जाता है ना शादी ब्याह में, घर वालों को हो जाता है, बारात वरात आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बारिश बंद ही रहे तो अच्छी बात है। रिद्धि तैयार हो गई है, इधर लाइट में हो बेटा, रिद्धि और सिद्धि को देख लीजिए। मेरी सिद्धि तो पूरा तैयार है क्लिप व्लिप लगा के, लेकिन रिद्धि अभी अपना क्लिप व्लिप लेके जा रही है, और देख लीजिए रिद्धि का सैंडल उंडल सब पहन के तैयार है। सिद्धू रानी तो सब कुछ लगा लिए, पापा के साथ नीचे जा रही है, दादी भी ब्लाउज पहन लिए, अभी साड़ी नहीं पहनी है, जल्दी जल्दी हम भी तैयार हो जाते हैं। सबसे भारी काम लगता है इन लोगों को तैयार करना, तो दोनों को तैयार कर दिए हैं। रिधि छोटी वोटी नहीं कराई तो जा रही है निधि से करा लेगी, निधि दीदी या कोई भी उनके घर में कर देगा, तो वो उसको बस ड्रेस पहना के सैंडल पहना के भेज दिए, हम तैयार हो जाते हैं। तो गाइस ये देखिए हम भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि मतलब बहू है मोहल्ले की, तो हम थोड़ा बहू टाइप से ही तैयार हुए हैं, बालों का कोई खास स्टाइल नहीं किया, बस मोड़ के उसमें जूड़ा बना लिए ऊपर, ताकि इस पर मेरा ये पल्लू टिका रहे देर तक, और फिर साड़ी पहने हैं, कान में एक डाले, और मंगलसूत्र तो जो घर में पहनते हैं वो ही है, गले वाले में वैसा कुछ नहीं डाले, सिंपल सा लिपस्टिक लगाए, पटाखे तैयार हो गए हैं, और ये इस तरह से साड़ी को पहन के, और माँ भी मेरी तैयार हो गई है, हम दिखाते हैं। देखिए हिंडा ये देखिए माँ भी तैयार हो चुकी हैं, ग्रीन कलर का साड़ी पहनी है माँ, इनका भी सिल्क साड़ी है। अब रिद्धि सिद्धि तो नीचे गई है, ये लोग भी दिखाते हैं, और मोबाइल लेके हम जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि को भी संभालना होगा। और देखिए इधर जनरेटर चल रहा है घर के सामने ही तो आवाज़ आ रहा है, तो रिद्धि सिद्धि को भी संभालना होगा, तो मोबाइल भी संभालना है, तो देख लेते हैं कैसा होता है। मोबाइल रखने अगर दिक्कत होगा तो इसके पापा को पॉकेट में पकड़ा देंगे, और अगर मौका मिला तो थोड़ा बहुत वीडियो वहाँ का भी पार्टी का भी बना ही लेंगे। हम कुर्सी छेक के रखे हैं, वही है खा रही है।
चोखा ही खत्म हो गया। नहीं चोखा बन रहा है, चोखा बना रहा है। अभी हम आ गए चाट वाले स्टॉल पे, घर में पाव भाजी दिया जा रहा है। ये मेरा चाट है, थोड़ा थोड़ा ही खाना है।